हेलो गाइस, डीआरएक्स रेहान हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन के बारे में। न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन कहां पर यूज़ करेंगे, क्या क्या इसके कॉम्पोजिशन हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या इसकी डोज है, क्या इसकी वार्निंग एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। गाइस, न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन इज़ अ सप्लीमेंट मेडिसिन है। ये ट्रीट करता है एंड प्रिवेंट करता है विटामिन को एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को, जैसे विटामिन्स वगैरह की या मिनरल्स की हमारे अंदर कमी वगैरह हो जाती है हमारी बॉडी में, तो उनको उनकी कमी को पूरा करता है। गाइस, न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन प्रॉपर ग्रोथ करता है एंड फंक्शनिंग करता है हमारी बॉडी की। गाइस, न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। इसकी MRP रहती है 26 रुपये 99 पैसे। गाइस, इसकी पैकिंग रहती है 2 ml का एम्प्यूल रहता है ये। गाइस, न्यूरोकाइंड गोल्ड के कॉम्पोजिशन क्या है वो जान लेते हैं। मैकोबलामाइन 1500 माइक्रोग्राम में रहता है, इसको साइनोकोबलामिन या विटामिन B12 भी बोलते हैं। नियासिनामाइड, इसको विटामिन B3 या नियासिन नाम से भी जानते हैं, 100 mg में रहता है ये। पायरीडोक्सिन, इसको विटामिन B6 नाम से भी जानते हैं, 100 mg में रहता है ये। मैकोबलामिन, ये हेल्प करता है प्रोडक्शन में ब्लड सेल की इन द बोन मैरो के अंदर। गाइस, निकोटिनामाइड जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये बिल्डअप करता है स्किन की सेल को। गाइस, पायरीडोक्सिन विटामिन B6, इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमारी बॉडी में, ये मेंटेन करता है हेल्थ ऑफ नर्व को, स्किन को एंड RBC को। नॉर्मल ब्रेन को डेवलप करता है एंड इम्यून सिस्टम को हेल्थी करता है एंड नर्वस सिस्टम को हेल्थी करता है। पायरीडोक्सिन ट्रीट करता है सर्टेन नर्वस डिसऑर्डर को, जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जैसे फीलिंग वगैरह, सेंसेशन वगैरह या नमनेस वगैरह, सुन वगैरह हाथ पैरों में आती है, झंझनाहट वगैरह होती है, तो उन सबको मेंटेन करता है ये। गाइस, न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन के साइड इफेक्ट क्या हैं वो जान लेते हैं। इंजेक्शन साइड जो है रिएक्शन हो जाती है, जैसे रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है या पेन वगैरह होता है, या नोजिया वोमिटिंग वगैरह या ईचिंग वगैरह या डिजीनेस वगैरह, चक्कर वगैरह आने लगते हैं, स्किन रैशेज वगैरह हो जाते हैं, या ज़्यादा हाई डोज वगैरह ले लेते हैं तो हमें जो है भूख वगैरह कम लगने लगती है, भूख हमारी डिक्रीज हो जाती है। गाइस, न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है वो जान लेते हैं। गाइस, रिनल इम्पेयरमेंट वगैरह में, या जो किडनी की सीवियर प्रॉब्लम रह रही है, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी है, सूजन वगैरह या कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो उन लोगों को ये न्यूरोकाइंड इंजेक्शन यूज़ नहीं करना चाहिए। गाइस, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जैसे जो न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मेथाइल कोबलामीन वगैरह है या पायरीडोक्सिन है, नियासिनामाइड वगैरह है, इन इंग्रेडिएंट्स से आपको कभी हाइपर सेंसिटिविटी हुई है, कभी रिएक्शन वगैरह हुई है, तो इस इंजेक्शन को यूज़ नहीं करना है। गाइस, न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन के यूज़ क्या है वो जाने लेते हैं। विटामिन की डिफिशियंसी में यूज़ करते हैं एंड बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है इम्यूनिटी को एंड ट्रीट करता है बॉडी की वीकनेस को एंड फैटिक वगैरह हो जाती है, जैसे थकान वगैरह हो जाती है, कोई काम करते हैं हम कमज़ोरी की वजह से भी ये थकान वगैरह होने लगती है, तो उस परेशानी को भी दूर करता है एंड हेल्थी करता है जॉइंट को, इम्प्रूव करता है मेटाबॉलिज्म को बॉडी के अंदर। एंड यह होता है लॉस ऑफ फीलिंग या फ्रीजिंग वगैरह या टिंगलिंग वगैरह हो जाती है, झंझनाहट वगैरह ये होने लगती है, या हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह होने लगती है, या बर्निंग सेंसेशन वगैरह हमें महसूस होती है, या नमनेस वगैरह यानी सुन वगैरह आने लगती है हमारे हाथ पैरों में, तो उस परेशानी में भी यूज़ करते हैं, या किसी को पैरालाइज वगैरह हो जाता है तो उस परेशानी में भी हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। गाइस, हेल्प करता है रिकवर करने में फास्टर फ्रॉम इलनेस एंड डिसीज कंडीशन में, जैसे कोई बीमारी की वजह से हमें कमज़ोरी वगैरह हो गई है, या कोई मेडिसिन वगैरह हमने ज़्यादा यूज़ की है तो उसकी कमज़ोरी को भी दूर करता है, या कोई डिसीज़ बहुत पुरानी बीमारी चल रही है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में जो कमज़ोरी हो रखी है उसको दूर करता है, हमारे शरीर में एनर्जी को बढ़ाता है। गाइस, इम्प्रूव करता है जनरल हेल्थ को, इम्पोर्टेंट होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नर्वस सिस्टम में। गाइस, इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं। गाइस, इम्प्रूव करता है जनरल हेल्थ को एंड इम्पोर्टेंट होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इम्यून सिस्टम के, इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर को ठीक करता है एंड स्ट्रॉन्ग करता है हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ताकतवर बनाता है।
गाइस न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन को क्यों दिया जाता है। कभी कभी कुछ पेशेंट वगैरह जो है टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म निगल नहीं पाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो उनको निगल टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म निगलने में परेशानी होती है, तो उनको इंजेक्शन फॉर्म दी जाती है, या सीवियर वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, या गैस्ट्रिक इंट्रिटेशन वगैरह की परेशानी होती है, या अनकॉन्शियस पेशेंट वगैरह हो जाता है, तो उन सब में जो है IV और IM इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। गाइस न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन की डोज क्या है वो जान लेते हैं। गाइस न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन जो आता है 2 ml की पैकिंग में आता है, इसको वंस अ डे दिन में एक बार IV या IM यूज़ कर सकते हैं। इसको ड्रिप ड्रिप में भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली वेंस वगैरह में भी दे सकते हैं, या IM वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो गाइस अगर वेंस में देना है तो बहुत स्लोली देना, अगर आप इसको फास्ट चला देंगे तो आपके हाथ में हैवी पेन वगैरह हो सकता है, या कोई एलर्जी वगैरह हो सकती है, या रोराइड वगैरह होने लगती है बहुत ज़्यादा, या नस में बहुत हैवी पेन वगैरह हो जाता है, आपको हाथ उठाने में परेशानी होने लगती है। तो इसको अगर IV यूज़ करेंगे तो बहुत स्लोली यूज़ करेंगे, फास्ट यूज़ नहीं करेंगे। गाइस मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।